इन दिनों यशराज के बैनर तले जो भी फिल्में रिलीज हुई है वह कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई है। अब तक जेश भाई जोरदार, सम्राट पृथ्वीराज भी सिनेमा घरों में आंधे वो गिरी है, लेकिन जब रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा का आगाज हुआ था तब कई लोगों को इससे काफ़ी उम्मीदें थी जो शायद आज टूटती हुई नजर आ रही है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शमशेरा का फर्स्ट डे कलेक्शन मेकर्स की उम्मीद पर खड़ा नहीं उतर पाया है। तो आइए जानते हैं कि 4 साल के बाद कमबैक करने पर भी क्यों नहीं बॉक्स ऑफिस पर कमाल मचा पा रहे रणबीर कपूर। शमशेरा अपने ओपनिंग डे पर मात्र 10 करोड़ 30 लाख तक का आंकड़ा ही छू पाई है जो कि फिल्म की बजट से 10% कम है। फिल्म शमशेरा की लागत करीब 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि यशराज फिल्म्स के सूत्र बताते हैं कि इस पर इससे कहीं ज़्यादा रकम कंपनी ने खर्च की है। आपको बता दें शमशेरा को भारत में 4,350 और विदेशों में 1,200 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है, लेकिन तब भी इस फिल्म को देखने के लिए लोगों की भीड़ कम ही रही है। और मूवी के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण ये सामने आ रहा है कि जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था तब मूवी के अंदर इस्तेमाल हुए स्पेशल इफेक्ट्स इसके फ्लॉप होने का कारण बने, क्योंकि लोगों का मानना था कि बहुत हद तक इसके इफेक्ट सम्राट पृथ्वीराज और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की तरह थे जो दर्शकों को पसंद नहीं आए। हालांकि उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि वीकेंड पर ये मूवी अपनी रफ्तार पकड़ सकती है। तो अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि शमशेरा हिट साबित होती है या फिर फ्लॉप। शमशेरा को 2.5 out of 5 की रेटिंग दी जाती है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी और भी फिल्मी रिव्यूज के लिए और बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल MDTV Entertainment। धन्यवाद।